आदरणीय दर्शक वृन्द, राम राम। राणा थारू भाषा को एकमात्र अनलाइन न्यूज पोर्टल तथा यूट्यूब की माध्यम से राणा थारू की तमाम संस्कृति, भाषा संस्कृति उजागर करत आ रहे हैं। राणा थारू भाषा को एकमात्र अनलाइन न्यूज पोर्टल चैनल के माध्यम से राणा थारू को जो लुकी भई संस्कृति है, लुको भो हमार पहचान है, वो पहचान के उजागर करत अब तक हम तुम्हें दिखा आ रहे हैं। ऐसी करके अब हम लालझाड़ी गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 परसिया गांव में आए पहुँचे हैं। हिना पर एक बांसी मंदिर है और जहाँ मंदिर बहुत पुरखोली मंदिर है, बहुत पुरखोली मंदिर है। कहते हैं कि द्वापर युग में जो द्वापर युग में परशुराम की जो गैया रहें, गौड़ी रहे, वो गौड़ी जा मंदिर को स्थापना भव रहे। कहते हैं कि मतलब जा पहले जा परशुराम की गौड़ी रहे, वो गौड़ जह जह ठाव में परशुराम अपन गैया भैंसिया यानी कि चुगाए के लात रहे। कहते रहे मतलब वो अगार पहाड़ से लई के यानी कि दक्षिण को जा थार क्षेत्र में अपन गैया भैंसिन के चरीचरण करात रहे। तो बेह दौरान में बेहिना पर गैया भैंसिन के गोढ़ियानो बनाए पड़े रहें। तादरणीय दर्शक वृंद, जा मंदिर बहुत प्रखोली मंदिर करके मानो जात है र जो अब हिना पर हम देख रहे हैं, जो बांस के भितरा देख रहे हैं, जो बांस के भितरा अभय के भितरा नहीं है, जो कोई लगाव भितरा नहीं है। हमार सब की कहे हुई है कि जा लगाव जंग यानी कि बांस को एक जा झाड़ी है, जो लगाव झाड़ी नहीं है, जा बेह दिन की बेह दिन से बनो भाव जा झाड़ी है, जा को क्षेत्र लगभग मानत हैं कि 8 से 10 कट्ठा तक को क्षेत्र है। र बेह क्षेत्र में जा बांस की झाड़ी के बीच में जब मंदिर को थापना भाव है। र जय मंदिर के बारे में थप जानकारी लेन तानी आज हम हिना पर आए पहुँचे हैं। र हिना पर हमठ हिना भलमनसा और पदना हिना पर उपस्थित हैं और उनसे हम क्रमशः पाले पालो एक एक करके उन सबसे जा मंदिर के स्थापना के बारे में, जब मंदिर की कथा वस्तु के बारे में आज हम दर्शकन के दिखान कोशिश करें हैं। अभक्तानी जोड़ते हैं दर्शक वृंद, हम परसिया गांव लालझाड़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 परसिया गांव में आए पहुँचे हैं। रहीना पर स्थानीय व्यक्ति हैं, उनसे हम जब मंदिर के बारे में जानकारी लेन तानी उनके ठिन हम पूछते हैं। सबसे पहले राम राम और स्वागत है। सबसे राम राम। सर अपन नाम बताई देवो। दुखन राणा, गांव पालिका 4 परसिया गांव। परसिया गांव दुखन राणा। अरे जा गांव में तुम मतलब का हो तुम? सर मैं सदस्य हूँ गांव को। मतलब जब मंदिर व्यवस्थापन समिति को सदस्य हूँ। ले सर अब हाल खबर का है? हाल खबर ठीक है? ठीक है। हनुमान का डरे आवेदा है धन्ना का देगा ना है हवे। और कैसी हाल खबर है? तो और सब बढ़िया है। हाँ सर, ऐसे करते हैं अब हम अपन विषय वस्तु खेन जोड़ था। जा बांसी मंदिर कहा था? बांसी मंदिर। बांसी मंदिर जब मंदिर को स्थापना से लेके अब तक में मतलब का कैसे भाव करके जब विस्तृत रूप में तुम कितका जाना था, जब बारे में थोड़ी जानकारी दे दो। अब जाता मैं कहा जाना है अब हम तब तो सुनी ना है। ना तब तो फिर जा बासी मंदिर वो स्थापना कैसे करके भाव रहा है? मतलब जब मंदिर तुम अपने बनाए हो कि पहले से बनी हुई मंदिर है? जाता महाराज हम ही बनाए हैं ना, जाता सब जनी मिल के। पहले घास मड़ैया रहे, घास मड़ैया बिगाड़ के तो जे अपने सब मिल के बस्ती भरे के मंदिर को निर्माण तुम करे हो है। मतलब जब थापना ना भवन थापना तो पहले से भव है? पहले से भव महाराज। अब थापना कैसे करके भव रहा है? अब उत्तो तो पता ही ना है महाराज थापना के बारे में। थापना के बारे में पता ना अनि जा मतलब जा बांसी मंदिर कहते हैं? बांसी का है जग नाम थे। बांसी का करते हो? बहर यहां जब पहले बांस जमो तही से बांसी मंदिर है। जब बांस तुम लगा रहे हो कि कौन? ना ना जाता जन कौन पुरखा दिन की है लगी महाराज।
बांस तभी मारे जब बांस की मतलब बगिया होने के कारण बगिया होने से जा थापन बांसी मंदिर और जग बारे में जा मंदिर के बारे में तुम्हर और मतलब का है तो जग सत्यता का है जा मंदिर को अब जागो सत्यता महाराज जैसे जाके कोई समक के कोई कर पावे तो वैसे मिलता है कैसे सर एक दो तीन का सम के मिला मतलब वो करता है तो वो होता है का मांगत है का होता है मतलब एक दो तीन ऐसा कुछ मतलब दिखानो है कि जा महाराज अब ऐसी है जे तिनका राजा था ने और जय के नाम से सब पूछ बा कर देते हैं बा मांगते हैं सोरते ने तो वे सगवर पूरो कर देते हैं मतलब बहुत चीज हरानो बहुत चीज हरानो बहुत चीज अगर हरा जात है ना तो मतलब जाके सौरत हैं सौरत मतलब जाके ध्यान करते हैं तो मतलब मिल जाते हैं मिल जाते हैं महाराज जब पूजा कब कब होता है जाको पूजा अब टाइम से अपने फुर्सत से जब दे लेवे हां मतलब जैसे महीना कोई भी पाए के महीना दिन में 8 दिन है हां मतलब समान पाए के बाद में मतलब हफ्ता दिन में हाँ पूजा 15 दिन में बस पूजा कर हाँ, पूजा हो जाता है पूजा में का चढ़ता है हाँ पूजा में कुछ ना महाराज जैसे मना ले धजा नरियल अपने सिंगार दानी जो अपने दूध चामर जो मनावे अरे सर एक और बताओ तो मतलब जा तुम सिंगार दानी का है हाँ सिंगार दानी ता मतलब महिला है महिला दुर्गा महाराज मतलब जी दुर्गा है दुर्गा को स्थापना है दुर्गा को स्थापना है दुर्गा की स्थापना है यानी जस जुड़ी और कुछ बात है सर ऐसी तुम्हारा मतलब जाने है बात और कुछ है ऐसी और तो मैं अब तो न सुन महाराज ना है नहीं हाँ तो ऐसे करते हैं सर हम मतलब जो हमार ranathar.com के मार्फत जो मंदिर हमर पुरखोली मंदिर है मंदिर अब तक कोई जान ना पाओ ना जान पाओ पुरानी मंदिर है जैसे नया मंदिर को ऐसे भव्य स्वागत है भव्य प्रचार है पर हमर जब पुरखोली सत्यता से यानी कि सतयुग से आए भी मंदिर को कोई मतलब यानी कि कोई जानकार नहीं है कोई अतो पतो नहीं है तो जाके उजागर करंता नहीं तुमर सब जनिन से का है ठीक है यस ऐसे करते हैं अब तानी अपन छोटा था हाँ छोटा था राम राम दर्शक वृंद ऐसे करके जब मंदिर की इतिहास के बारे में हम मतलब और खोज तलाश करने कोशिश कर रहे हैं ऐसे करके लालझाड़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 परसिया गांव के अमठिन एक और बहुविरुद्ध पदना है उनसे हम जा मंदिर को इतिहास के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले तुम्हारे स्वागत और राम राम है स्वागत राम राम तुम्हारा नाम और गांव बताई दियो जगदेव राणा परसिया गांव जगदेव राणा परसिया गांव तुम जा परसिया के कहाँ हो मैं था पहले 3 चोटी उप प्रधान भाव फिर के 1-2-3 चोटी अध्यक्ष भाव जाको मासी को मतलब एक प्रधान पर गांव के प्रधान भाई की पंचायत को प्रधान भाई मतलब पधना ना हो पधना नहीं है प्रधान रहो मतलब जा एक दो चोटी दो तीन चोटी जीतो रहो प्रधान ही डारे हो अनि तो फिर जाके मतलब जाके जा मंदिर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष फिर भाई अनि प्रधान जी अब तुम यानी कि भूतपूर्व प्रधान है माने जाता हो अब तक फिर प्रधान ही कहे कि तुम्हें संबोधन करता हूँ जा मंदिर को स्थापना कैसे करके भाव रहा है जा को स्थापना ऐसी भाव रहा महाराज पहले हमारे बाप दादी घास की मड़िया बनाए रहे बा में सब पूजन जाते रहे पूजे तो पूजे तो पूजे फिर हमारो एक सलाह ही भाव तो हम फिर के मैं को कैसे बनाएंगे भैया कई चंदा उठा मैं को ठीक है चाहे गलत मत करियो भैया मंदिर बनाता हो पूरे सपाटन पर तो फिर के भैया हम समिति बनाए मौके बनाई और भाई गांव के तो हम समिति भाई के बाद में तो हम फिर चंदा उठाए ना जो जा मूर्ति धरी पड़ी है हाँ प्रधान जी हाँ। मूर्ति धरी पड़ी है मूर्ति पहले से है कि तुम बनाए हो जाके मैं काठमांडू से ला रहा हूँ मूर्ति के तुम स्थापना करे हाँ स्थापना यानी तो मतलब हिना पहले का रहता हो हिना पर पहले मैं कहा तो मड़ैया रहे घास की उसी बस हम बहे बस बस दुर्गा माता को नाम लेके बस मड़ैया पहले से बनी रहे हाँ पहले से मतलब मूर्ति उड़ते सो कछु ना रहे मड़ैया रहे तो मड़ैया के तुम जब मतलब जब जा मंदिर है अथवा दुर्गा माता को स्थान है करके तुम्हें कैसे पता पाओ
पता भाई तो जाता बाप बाजिया से जो अगर कैसे जिन पता पाई रहे करके कि जा दुर्गा माता है जा तो फिर के हम सब बाल बच्चे अब पता पा जा मैं हाँ तो जा बजा से मैं कार्ड बनो फिर अपने गो अपने लाओ मूर्ति और सोनो लाओ जाके पछतावा करने के ताही हाँ सब चीज करो मैं और तुम तो कोई पता ना है महाराज ना प्रधान जी अब तुम तो बहुत पुराने फिर हो पुरखा फिर रहो हाँ। और तुम्हारे मतलब जा ठाऊ को विकास करने ताही तुम्हार योगदान फिर बहुत जल्दी रहो है हाँ। मतलब जा जो जा झाड़ी देख रहे हैं हाँ। झाड़ी कब से है जा झाड़ी जा को कोई पता ना है महाराज पता ही नहीं है मतलब जा ना मेरे दादो ना दुआ ना बाऊ कोई पता ही नहीं उनके मर गए वे सब बेचारे अब मैं 70-75 वर्ष ही हो तो कहाँ मतलब जा कैसे लगी कौन लगाओ कोई पता नहीं कोई पता ना है जा को तुम्हारे हिना पर आए कितो मतलब पूछताछ तरीके हैं हमारे बहुत तरीके हैं मतलब हुई हैं 2-4-5 विचार तो नहाते मेरे सामने तर गए मर गए विचार है नहीं उससे पहले तुम कहाँ से आए रहो का पता अब कहाँ से आए मुझे ना पता है ऐसे पता नहीं है नहीं है अरे प्रधान जी अब तुम मतलब जा अब तुम प्रधान हो हाँ अरे जा मंदिर के विकास के तहत और तुम्हारे का योगदान करे रहो हम का चीज करे हो जा मंदिर के व्यवस्थापन के तहत अब जा में अब जे सब जे बक्सा हैं जे सब अपने बनाए सब चीज करे और कोई सरकार से बजट ना आओ सरकार से बजट मतलब जाके व्यवस्थापन के जब मतलब जो मंदिर जो देख रहे हैं जब मंदिर तुम अपने गांव की मनी मिलके बनाए अपने 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 बस कहूँ से कोई मतलब सरकार से कोई से ना कहूँ से पहल नहीं है नहीं, 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 पहल जा जो जगह है जा मतलब जगह कितों तक हुई है जा जा जगह है एक बीघा नापुगत है एक बीघा नापुगत हाँ तो 10-15 कट्ठा पुग जात है 10-15 कट्ठा ऐलानी जब मैं ऐलानी है कि जक नाव में लालपुर जा है जा को बा करवा दे दर्ता करवा दे समिति दर्ता है हाँ हुए जगह दर्ता तो नहीं है हाँ महन नगर जगह दर्ता है कि ना है जक नाव में दर्ता है कि नहीं जगह है जगह जगह जह नाव में है चलो जा मतलब इतका कुछ हमें जानकारी दे दे हो और थप जानकारी हाँ कहे से अब हम मतलब हमार दर्शकन की और बताई देवो और तो कोई छप मैं समकिन पात हूँ इतना रहा बा खेती है उतर खेती है खाली मेरा है जानता ही ना एक और मतलब तुम्हारे जहाँ कहानी से एक और कहानी का जोड़ थे कि परसिया हाँ कहा तो है परसिया नाव वजन को कारण का हो सका था जैसे जस जुड़ी है कि जा हमारे इतिहास की कैसो है परसिया को नाव परसिया जब मतलब जा गांव को नाव परसिया काहे धरी गो अब जाता महाराज अग्गू के बतकात रहे परशुराम करके वो जहू ध्यान ना रहा था परशुराम गांव में नहीं रहे कि कोई और कोई कहाँ कर रहा है ऐसी पता खबर ना रही मुँह के तो मैं कहना तो मैं घड़ी में से भूल जाता अच्छा हाँ, वो पता नहीं है हाँ, मतलब गांव को बनी रहे कि हाँ, मतलब कोई अब भगवान हाँ, रहे कि हाँ, कार है वो पता नहीं है हाँ, तो वो नहीं कि नाम से विचारने से बा भाव जा परसिया नाव बखानों को है उन्हीं के नाव से हाँ उन्हीं के नाव से तो कहीं कछु जो परसिया रखा हो जगह नाव हाँ जा अब बासी मंदिर हाँ जगनाव बासी मंदिर हाँ, करके हाँ, हाँ, बास की झाड़ी में बनी हाँ, है तभी हमारे हाँ, बासी मंदिर हाँ, करके भाव जब हाँ, मंदिर के तुम कैसे करके पता पाई करो जब मंदिर बांस के भीतर जब झाड़ी में है करके जब बांस मंदिर के मंदिर हमने कहा था हमारे बड़े बूढ़े बेचारे बनाई सब चीज करें पूजन पाजन करें सब और जब फलद्दा देवे हमके बांसी माता जब मैं फलद्दा दे 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 तो फिर के अब फिर हम सिर जी तब कहन के भैया जाना गठो बड़े बूढ़े मरैया बेचारे बनाए गए रहे वे कहन बार खाम है तो अपन ना हो तो मंदिर बना दे मैं ऐसे फिर उसका था जैसे कि पहले जो तराई में पहले जो मनी यानी कि बचना पात्र है जैसे कि हैजा लगा कि बहुत मेल की बीमारी चलता रहे तो वो समय में जा मंदिर के मतलब संवरत रहें या मतलब पूजा पाठ करते रहें तभी जा मंदिर को उजागर भाव है कि कैसे करके मतलब पहली से रहे जाको पहले से मंदिर मानदान जो कुछ कर देते रहे बस भगवान बाको पूर्ण करते रहे पूर्ण करते रहे गांव जा क्षेत्र बैठा हाँ, तहनी हाँ, जा मंदिर को बहुत भारी योगदान हाँ, है योगदान है
काहे के पहाड़ी हवे बहुत दूर दूर साथ हैं जाम चढ़ान के चढ़ान की हाँ बेकात की देखो भैया जावर आवर कोई नहीं यहाँ। अच्छा हाँ कोई मंदिर नहीं कोई नहीं यहाँ पुरानी मंदिर और तो बेका सब अपने बना लियो अपने बस धर दियो है तो जामे तो भैया बस कौन दिना खे जब कोई ठिकाना ना है। अच्छा कितने सांप जामे देखने वाले जे जे मोटे कहा बगटा बाबा था ढोग ला के चलो जा। अच्छा बगटा था हाँ बगटा कहाँ से आ रहा था तो जंगल से सो जंगल से बगटा हाँ तेरी तो वो कुछ करता है कि ना मतलब नुकसान करता है वाका करेगा नुकसान नुकसान ना करता तो अपने मतलब आता है कब आता है वो रात में आता है रात में हाँ कौन दिन की सोमवार के आते हैं सोमवार के है नहीं सोमवार के आते हैं और रात में आई कि अपने चलो अपने मतलब मन देखने वाले मन इनके दिखान मतलब देखा पड़ता हुई है खोज देख रहे हैं। अच्छा खोज देखा हाँ। उसी आंखें से ना देखी हैं कि खोज देखी से ना देखी खोज देखी है ऐसा हाँ। है नहीं और सांप जो बहुत नहीं दिखाई दी है। अच्छा मोटे मोटे हाँ मोटे मोटे ऐसे कोई मतलब फोटो फोटो वगैरह वगैरह हैं कि मतलब ये जब जब निकट था है फोटो कहाँ तो सबके कहाँ तो बेटा जो को भाग्य है बाकी दिखाई देंगे सबके थोड़ी दिखाई देंगे ये बात कभी मत करियो जो को भाग्य है ना आपके दिखाई नहीं देंगे हाँ ना जैसे कि मान के चलते हैं कि अब जैसे कि तुम कहे मान के चलते हैं तुम कहे मैं फलानो चीज देखो अब मैं जैसे कि अब तुम मैं तुम्हारा विश्वास कैसे मने हूँ देखो विश्वास मानन दें तो या तो मौके मतलब अब विश्वास कहान से एक विश्वास है ना और अनौ तो और कछु ही नहीं है। मैं देखो जब मंदिर हम बनाए रहे तो जो सब बन गए रहे खाली बना भाव रहे तो मैं एक रहे मेरे समझी बाबा रो गोकुलपुर बारो मैं को चल तो दिखा लाओ मंदिर मैं बगे लाओ बता एक बाल का खेल है ऊपर। अच्छा ऊपर हाँ ऊपर खेल है तुम अपना आँखें से देखो हाँ आँखें से देखो मैं बस थोड़ी देर में तो मेरे को समझी बत गायब ही गो। अच्छा हाँ जे मतलब ये तोता मैं हिया पाओ जे चित्र दिखा हाँ मैं मतलब ये तो मैं पाओ हाँ मतलब तुम्हार तब ना तो तुम्हारे मन में लगो या विश्वास तुम्हार मन में लगो जैसे कोई मनी ना पाई कुछ फल दे ना पाए वो मन में कैसे लगे है तब एक वह हिसाब से तुम्हारे में लगो पड़ो है कि मतलब फिर से जो कोई को हराई गो कछु हुई जाए अच्छा जाके मान दो माता जी हमें बस ये मानदान कर दो ऐसी ऐसी है बात माता जी और जो हमारे चीज जो है मिल जावे हमें बन जाए करके वो पूर्ण कर देते तो बेचारो कोई दूध चामर चढ़ा था कोई फूल चढ़ा देता है अच्छा ऐसी बात। आदरणीय दर्शक वृंद जा मंदिर के बारे में हमार बासी मंदिर के बारे में हमार प्रधान जी बहुत बढ़िया जानकारी दी हैं और जे इतो जानकारी मतलब जे जे सब जानकारी हमार दर्शकन के अब फिर कमी पड़ सकत हैं तो अब तानी इनसे हम जे हमें बहुत जल्दी जानकारी दी हैं अब तानी हम उनसे छुटत हैं लेव राम 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 राम। आदरणीय दर्शक वृंद ऐसे करके जब मंदिर को सत्य तथ्य के बारे में हम यानी कि पता लगानता हनी हम यहाँ पर आए पहुँचे हैं और ऐसे करके हमार जब मंदिर के थप जानकारी लेनता हनी हम एक और स्थानीय व्यक्ति हैं उनसे हम परिचय लेते हैं। सबसे पहले राम 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 स्वागत है। मेरा नाम है राम सिंह राणा लाल झाड़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 परसिया। तुम मतलब कहाँ हो सर गांव की? मैं पहले मतलब कि जही मंदिर में अध्यक्ष रहा हूँ भूतपूर्व यहाँ फिर कुबा के बाद में मतलब कि जे और फिर हवे हैं जे हमारे अंकल जी हैं हवे मंदिर व्यवस्थापन समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। हजुर हजुर सर जा मंदिर के यानी कि जा जो जा बासी मंदिर कहते हैं जा प्रचार प्रसार कैसे ना हो पाए सर? हजुर पहले तो जा का भाव कि हमार जहिना दुर्गम क्षेत्र ही गो पहलो नंबर अभी भी तुम शायद आए हो गए आज कितो अब त्यारू विषय से आए हो गए तो वो हिसाब से मतलब कि और एक तो मतलब कि जा हमर मतलब कि राणा कल्चर में थोड़ी मतलब कि शिक्षा को भी कमी रहे प्रसार प्रसार ना हो पाई बाजार से दूर पड़ी हो हाँ भाई मारे मतलब कि जाको प्रसार प्रसार कम है और उसे तो मतलब कि जाको मतलब कि गुड़ बखान बहुत दूर दूर मतलब कि ऋषि मुनि जानते हैं कि वहाँ पर फलाने जगह में एक दुर्गा मंदिर बांसी के अंदर है बहुत शक्तिशाली है करके मतलब कि बिचारे भी हमारे गु फिर कहते रहेंगे
मंदिर के बखान के बारे में हजुर अनि सर जा मंदिर के व्यवस्थापन करन तानी थप का चीज करन पड़ेगो हवे हां का चीज करन हवे जाके ताही देखो सर लगभग लगभग आजकल के आदमी देखते हो हमें फिर दुख पीड़ा लग रहा है कि आसपास जगह अतिक्रमण हो रहा है लगभग लगभग जाय में तारे बार है जी तो सर तो शायद बहुत अच्छो रही तो अब कोई निकाय से जामी मतलब कि कोई निकाय से जामी कोई पहल ना है कि जाके मतलब कि पर्यावरण कर दें करके सर अब है तो स्थानीय तह है सर स्थानीय तह अपन स्थानीय तह अपन गांव ठाव को विकास करता है तो स्थानीय तह से अनुरोध करके जो जा हमर पुरखौली धरोहर के रूप में जो मंदिर को मानो जाता है तो जा पुरखौली धरोहर यानी कि जब मंदिरें ना रहे है तो हमारे पहचान फिर ना रहे जब मंदिर से जुड़ो है तो हमारे पहचान परसिया नाव धरन को अथवा भजन को पहलो कारण का है कि परशुराम की गौड़ी रहे रभे गौड़ी में गैया भैंसिया राहत रहे वो की रभे की गौड़ी के गौचर को नाव से ही हमारे जा परसिया बजो है जब जा मंदिर जा ठाऊ ना रह जाए है तो हमर यानी कि हमारे पहचान फिर ना रहे है तो जग तहनी जग व्यवस्थापन के तहनी तुम गांव के तरफ से का पहल हो सकत है अब गांव के तरफ से तब लगभग लगभग का कहन पड़ो जहाँ तक हम कोशिश करते हैं जितका तो उसका हम जाके निर्माण कर ही लेते हैं तरह सबसे दुखदायी घटना का है अब कि थोड़ा बड़ो रकम मिल जाए तो जब हम आसपास तार बार कर लेते हाँ सबसे मेन समस्या हाँ, अतिक्रमण से बचाना जबकि हमार राणा कल्चर में कि मतलब कि जब नगर की एक माता कहते हैं भुइया कहते हैं हाँ तो माता का है से एक तो माता है वो मतलब कि जब भगवान की संरक्षण ना कर पाए तो बाकी अपनी संरक्षण हम का कर पाएंगे जाके भुइया के जा जा हमारे दुर्गा मंदिर की भुइया करके मान सकते हैं कि ना ना भुइया अलग है तो भुइया अपन के जैसे राना में हमारे राना में लट रहा था तो जाको मतलब कि हम शादी ब्याह करते हैं तो पहले मतलब कि ढोक जब मंदिर में आते हैं तो हमरो जाके कृपा से मतलब कि हमरो सब कार्य शुद्ध होता है नचक बारे में थोड़ी कितना प्रश्न करो मतलब जैसे शादी ब्याह होता है दुल्हा दुल्हन हिना पर आए के ढोक लागत है कि कैसे होता जाको हिना आए के मतलब कि दुल्हा दुल्हन आएंगे और बाकी आदमी सब बाहर रहेंगे दुल्हा दुल्हन अपने आएंगे ढोक लगेंगे और मतलब कि जैसे प्रसाद बनाएंगे हम लोग शादी ब्याह में तो प्रसाद बनाएंगे तो हम लोग पहले प्रसाद हिना चढ़ाएगो कि माता के दें माता के सहारा से हमारो सब काम मतलब कि एकदम मंगल मंगल रहा है करके है तो अनि वो के बाद में वो हिसाब से तुम्हारे जग मानदान करते हैं अपन हाँ अनि और जग सत्य तथ्य के बारे में कहा है सर और जाको सत्य तथ्य के बारे में सर अब मतलब कि हम लोग जहिना पर जब से हम रहे हैं हिना पर जहिना पर जन्म लए हैं तो दादू के दादू दादू के दादू से पूछे हैं तो वे कईयों पीढ़ी गुजर गए तो वे कहते रहे कि भैया रेव हम ऐसी देखे हैं कोई दुख संकट पड़े तो माता के जो कति मत भूलियो अभी भी कहते हैं बड़े बूढ़े कहते हैं कि भैया रे हो जब प्रकृति की चीज़ है जाके जा माता के कभी मत भूलियो जही जही को देन है परसिया को जो अन्न धन है जही को देन है हाँ तो हमारे गांव में एक दफर हो सर जैसे कि संकट काल रहे तो लगभग 3-4 घंटा ले भिड़ंत भई होगी कहाँ पर भाई रहे गाँव में भीतर गाँव भीतर भाई हाँ भिड़ंत भाई तो जब दुर्गा मैया की कृपा से हमार कोई के कोई नुकसान ना पहुँचो अच्छा हाँ संकट काल में माओवादी से माओवादी को माओवादी और मतलब सरकार की लड़ाई भाई तो हाँ फिर मतलब कि फिर को मतलब कि 58-59 साल में हम कहे कि तुम जब थोड़े दिन प्रांगण रहे थोड़ा आंगन रहे ने तो माओवादी ढूंढते रहे मतलब झाड़ी झाड़ी कि बैठक करनता ही तो हम कहे कि भगवान को स्थान है वहाँ पर मत करो तो कहे कि ना हम होगी झाड़ी में करेंगे तो भाई हम चले गए भाई हमें बुला ले गए ना जा मैं तो मारें तो हम चले गए भाई मंदिर में आए गए तो हम कहे कि जा मंदिर भीतर मत चप्पल उप्पल ले जाओ तो वे ना मानी तो वे ले आई लाने के बाद में थोड़ी देर हम तो 3-4 आदमी ऐठ गए अच्छा हाँ सर ऐठ गए वो उससे मतलब दुर्घटना देखने मिलो हाँ दुर्घटना अपनी आँखी से हम देखे ऐठ गए तो वे अब कहा कि अब जग पुजारी कौन है तो हम कह जग पुजारी कोई नहीं है और सब हैं तुम मतलब कि जैसे हाथ गोड़ धोए तुम सीधे माफ़ी मांगो अब अच्छा हाँ तो दुर्गा मैया से माफ़ी मांगी तो बाद दिन से मतलब कि वे आदमी जहिना पर जूता चप्पल लान छोड़ दें अच्छा उसे हाँ उसे करके हाँ और मतलब यानी कि जब मंदिर के
यानी कि थप प्रचार प्रसार के तहनी या मतलब जब व्यवस्थापन के तहनी हमार ranathor.com मार्फत तुम आम यानी कि जनमानस में का कहन चाहते सर जाके तही हम तो यही चाहते हैं कि ऐसो आदमी तुम तो बड़ा हमार भारी भाग खुल गए तुम आई गए हम तक सोचे कि हमारो अब कोई ना जाको प्रसार प्रसार करने वालों मैया को तो भाई हमारी तो ना भाई भाई माता की कृपा से देखो तुम कितनी दूर से आए गए धनगढ़ी कहाँ है कहाँ कैलाली कहाँ कंचनपुर तो मैं कहता हूँ कि अब जाको प्रसार प्रसार और तीव्र गति से जान पड़ो हाँ काहे कि जाको सब जानन पड़ो जानन पड़ो जा मंदिर मंदिर है यानी कि जब मैया के सत्यता के बारे में सब मन के जानन पड़ो अगर हम मतलब ये तो भी दावा है सर मेरो अगर कोई आदमी मतलब कि सबनंतर मांगे गो अच्छे दिल से तो सबनंतर भी देता है कि हाँ अच्छा कि माता मौके मतलब कि मौके ऐसे ऐसे संकट घेरे है मैं कैसे का करूँ करके हाँ अब भाई दिल से मानन पड़ो दिल से मानन हाँ अब भावे ना है तो फिर वह फायदा का भाव अब तुम दिल से उतनी दूर से आए हो हमें कितना अच्छा लगो पर पहली बार आज तुम आए हो हमें बहुत खुशी भाव तुमके मतलब दुर्गा मैया हमेशा हमेशा तहीं जा काम तहीं आगू बढ़ावे हाँ हमरो शुभकामना है जब परसिया गाँव बारिन से और मतलब कि प्रसार प्रसार जब तीव्र गति में जान पड़ो महाराज ले सर आदरणीय दर्शक वृंद इतनो महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे दी हैं और उनके तहनी उनके हम धन्यवाद देते हैं अब तहनी हम छोटा हैं ले राम 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 दर्शक वृंद जा बांसी मंदिर के बारे में हम थप जानकारी लेन के तहनी हमठिन एक और स्थानीय व्यक्ति हैं उनसे हम मंदिर के बारे में जानकारी लेन तहनी उनके हम जोड़त हैं सबसे पहले राम 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 सर अपन नाम और गांव बता दीजिए सर मेरे लाल झाड़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 4 परसिया मदन राणा जा मैं यानी कि तुम का हो सर जा मंदिर को जा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मंदिर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हाँ और हाल खबर कैसी है तो सब ठीक है भाई बढ़िया है कब से भाई रहो दच दच है मैं अभी से भाव रहे जह साल से है हाँ अदस जी अच्छा मंदिर को सबसे पहले तो अब हमार व्यवस्थापन के रूप में तुम बने पड़े हो है हाँ। मंदिर व्यवस्थापन के तहनी तुम्हारे पहल का हो रहे हैं जम बहुत कुछ अब है बहुत कमी है जामी अब है एक धर्मशाला है बगलिंटर ना हो पाई है और एक जा शिव मंदिर जो है जहाँ को व्यवस्था भी ना हो पाई है स्थापना करण बाकी है तार वार बाकी है और जब मेला लगान विचार होत रहे जगह ना है फोहर करण मिलत ना है जा मंदिर के भीतर अरे सर हिना पर मतलब जो थप कहानी के मोहताज में जात हैं कि मतलब जब पहले शुरू में धर्मशाला बनान पेती हाँ। शुरू धर्मशाला बनाई है धर्मशाला बनान पेती अने जब दर खोदी है तब तो वो यानी कि मणि को अथवा मतलब कोई को ब्लड हानि दिखानो रगत हानि दिखानो वो का रहे सर ऐसो वो खून रहे मत ना देखो रहा हाँ। पुरखा लोग जो बनाई रहे पहले हाँ। मैं तब है को हूँ हाँ तो जो बनाई रहे यहाँ पर ये रहे सबसे पहले कट्ठा को हिनी पर खोदी रहे धर्मशाला बनाता है नहीं ये खोदी रहे यहाँ से खून दिखाई दे मतलब दर खोदी खूंटा गड़ानता दर खोदी तो दर में से वो निकलो दर में से निकलो खून हानि निकलो वो खून रहे कि का रहे खून रहे मतलब वो और मतलब खोदन तहनी मतलब का है करके वो पता लगा थप गड्ढा ना खोदी रहे ना फिर डर भाव हुआ पर कि का है करके यहाँ पर कुछ दिव्य शक्ति है करके यहाँ खोदन मना है करके यहाँ डराए गए ना खोदी फिर जा जगह हम ना खोदी फिर थोड़ी उतर बा उतर उतर जाए के कट्ठक धर्मशाला बनाई हाँ ऐसा है सर जब मतलब जब पुरानी मंदिर के रूप में हमार यानी कि सतयुग से निर्माण भई मंदिर के रूप में मानत हैं तो जहाँ मंदिर के बारे में यानी कि थप हमें अनुसंधान कराता है या मन पुरातत्विक विभाग में हमारे जो नेपाल सरकार में फिर पुरातत्विक विभाग हैं सर वे ठाव में ले जाए कि मतलब जा मंदिर को सत्य तथ्य के बारे में मतलब इसको कछु जानकारी कराए हो कि ना कराए हो सर अब तक तो कछु ना कराए पहली बार तुम आए हो
अनि सर और थप जा मतलब जा मंदिर को जा मंदिर बसन को थप कारण अथवा रहन को थप कारण ओ का हो सकत है सर जे रहन ता ही हां मतलब जा मंदिर को स्थापना होन को और कुछ कारण फिर तो हो सकत है का कारण फिर है ऐसो ऐसो नहीं है ऐसो कसो नहीं है ले सर जा मंदिर के बढ़िया से हाँ एकदम जा जो जो एक प्रदेश से जो बजट आओ जय धर्मशाला हाँ जा बनाता ही आषाढ़ को महीना रहे टाइम ना रहे सिर्फ जग टाइम रहे 13 दिन को 13 दिन को हाँ पानी पड़ता रहे डगर ना रहे दूर से लान पड़ता रहे ढोए के सब चीज तो आषाढ़ को टाइम रहे बन ना पबैया तो मैं मनाव रहूँ जब मंदिर के बांसी के तो 10 दिन को 10 दिन पानी रोक दे रहे है 10 दिन पानी हमें को पानी ना पड़े मिर्जा काम बन जावे हाँ तो तेरी नाव से बनाए रहे हैं धर्मशाला भक्तन को सत्संग घर है हाँ जा काम सफल हो जाए करके तो मैं 1 किलो लड्डू मना रहा हूँ ये कब की बात है सर जा भाई की तत्काल जय आषाढ़ में आषाढ़ की बात है जा अहिना आंधा ही डगर नहीं है डगर ना रहे गाड़ी लानता है तो वो मेड़ा रहे वह शहर में सब सामान रहे ये सर पुरानो धरोहर है तो हिना आंधा ही डगर का ही नहीं है तो सर यहाँ पर ही तो जो पुरानी तो जी तो गाँव वारन की जमीन है बस्ती पहले वही सो रहे ना कि ऐसो व्यवस्था करेंगे करके उनको सोचना रहे तो उतर जो तो कार्य कर लें जय एरिया छोड़ दें अच्छा जय एरिया छोड़ जय एरिया छुटके से छोड़ दें छुटके से जय एरिया कि जा मंदिर है बांसी है यहाँ जहाँ जोत कार्य करने से वो होते करके हमारे गांव बस्ती ना बैठ पा घटना घट सकता घट सकता करके डराए की बोकी मारे ये सर अभक्तानी तुम जा मंदिर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष हो और तुम्हारा अपनों तुम्हारा कार्यकाल बहुत बढ़िया से बीते और थप जा मंदिर के व्यवस्थापन के तानी तुम्हार ऊर्जा और जहाँगर बहुत जल्दी आवे और हमें इतना जल्दी जानकारी दे दे हो जग तानी तुम्हें धन्यवाद देता है और अभक्तानी छोटा था राम 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 आदरणीय दर्शक वृंद अब हम जा घा बासी मंदिर के मंदिर में हम आए पहुँचे हैं हिना पर मंदिर के पुजारी हैं मैं पुजारी से जब मंदिर को मंदिर के बारे में हम थप जानकारी लेवैया हैं सबसे पहले उनके हम स्वागत करते हैं राम 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 सर अपन नाम और गांव बताइए देवो दुखी राणा परसिया गांव पलका चार है तुम जा मंदिर को मंदिर के या मतलब सती गति करन था नहीं हाँ अब जब बुढ़ार करन था बुढ़ार था हाँ पुजारी के रूप में हो तुम हाँ अब सब गाँव वाले पुजारी मानते पुजारी है हाँ मैं तो अपने से तो ना हूँ अब गाँव वाले मानते में पुजारी है अब सेवा करते हैं तो वह सब सेवा कर सकते हैं पुजारी तो मंदिर में तो पुजारी होने पड़ो मंदिर में पुजारी ना हुए तो मंदिर सर सफाई कौन करे हाँ तो अब सब पुजारी का पुजारी जी तुम्हारा जाए जैसे कि अब तुम अब मत यानी कि मंदिर के तब पूरा दिल और ध्यान से लगे पड़े हो मंदिर व्यवस्थापन के करण सर सफाई करण था नहीं तुम्हें में ऐसे सपन अंदर दिखाई है कुछ मैं तो उसे कुछ ना जानता महाराज देखा हो सपनंतर मोह ना देता है मैं जानते ना हूँ बाको क्रम आते खाली झाड़ बुढ़ार धो जाता हूँ तो कही है देखो और उसे कानन से भर सुनी बात है महाराज अच्छा तो अब जब कहा था कि मतलब जैसे कि इना पर सांप निकलत रहा है यानी बगटा आत रहा है मतलब हाँ तो महाराज जाता आता है तुम्हारे मतलब का मैं तो देखो खाली लकीर मतरा देखन पाता हूँ सांप खाने सांप को पाव हो देखन ठुल्ले ठुल्ले ऐसे खोज तब हमारी एक गौड़ी रह जा हिया पर अगार हम रात आत रह वह गंजे की बाग मेड़ा जोड़ जय पर गंजा है ऐसे जाने आत रह पहले रहा जा ऐसे एक लगी रह अगार खुली है रह जा ऐसी है तो बहुत दिखाई देते रहे मन ही ना देख पा रहे हैं गंजा बारो जो सुमार्ग लो जाते बगंजा ना भजती हाँ छिटे आ जाए तो तब चोटो ना करते रहे अच्छा कुछ भी ना करते रहे मतलब अपने बिना दर्शन करते रहे और अपने चले मतलब चलो जाते रहे देखने वाले मनी देखने मिल पाते रहे हाँ बस खोज बस देखाते रहे अब तो जब पक्के ही और न तो बस कच्ची में तो खूब बनते रहे देखन
और जब मंदिर के बारे में तुम्हें क्या पता है? अब जब मंदिर तो बहुत पुरानी है महाराज, देखो अब जब का बात पुरानो पुराने की मानत है जब है ऐसो का चीज है हम पुरानो अब जब पुरानो अब का चीज अब बहन नाव से है जब कब के जिन जी गड़ी है पहले बता रहा हूँ पुरखा देना सोनो चांदी अब सोनो चांदी तो ना रहेगी तरसूल है अब जय मतरा रहेगी ऐसो मतलब का चीज पुरानो रह जाबे तो जक अब ये तो मानदान करी करोगा है अब वे तो भाई पुरखा जने है अब मानदान मैं तो कछु तो दिखानो एक मतलब जा देखी रहे हैं अब जैसे कि कहूँ पत्थर निकलता है ना जे मूर्ति ना यहाँ भेटा नहीं रहे अरे तो कैसे कहा रहे जे पुरखा दिन जिन कब के रहे आगू घासक मड़ैया रहे अब घासक मड़ैया में जे ही ऐसी तरसूल आंधी रहे तो फिर को बेतरसूल भाई हैं हम ठीक मतलब भी ही अब बे डिग्री में तरसूल अब बे भाई जे ही तरसूल है महाराज जे तरसूल है ये तरसूल में से एक तरसूल हुई है हां वो समय निकली भाई अब चांदी सोनो तब कहां ना जे तरसूल जो है जे तरसूल हां बहे को ठाव है ना जे तरसूल सब भी ही तरसूल है कि और चढ़ाई भी लट है अच्छा चढ़ाई भी तरसूल फिर है और वे ही है और जम में भी ही तरसूल है पुरानी तरसूल है जी हां ये तो जा में तो महाराज बहुत बा होत रहा है एक समय में जे बूढ़े बूढ़े कर रहे हैं आगी लागी रहा है तो आगी ऐसो लागी जब पछाड़ से पूरो हवा चला है अब जा में आगी पूरो लागी तो ऐसो जिन्हें कृपा है मैया को तो वो सिरे से बस आगी आंधी लौट पड़ी। अच्छा मतलब जब बांस की झाड़ी में आगी लग गई आगी लग गई हाँ कब हुई है सर कब कई वर्ष गया था बहुत पुरुष है। अच्छा हाँ मतलब पहले की मतलब हाँ तब काम है तो पूरो बेचारे कहे परसिया गांव छोड़ के दखन मुँह के आंधी ले गई तो यहाँ से कारण नदिया फंदा देत रहा आगे आगे के है नहीं हाँ। लपटात रहे हाँ इतनी जोर लपट होता रहे हाँ तो परसिया जब मैं जो है बैठिए है हवा अच्छा हाँ सब हाँ बचाई दे पूरा गांव पूरा बचाई दे पूरा बचा दे इतना जल्दी शक्ति रहा है हाँ तो अब भाई कानन से सुने है घास की मड़िया बहुत बची गई जब अब भूमि आती हाँ अब जब बचा लई अच्छा मतलब मड़ैया रहे मड़ैया बची हाँ गाँव गाँव बची गाँव हाँ जब बांस मतरा जब बांस मतरा जरी गए हाँ अरे एक और मतलब का एक और सत्यता का दिखाते हैं मतलब जब बांस एक दफे पूरो मतलब वो ही गौर है मरी गौर है हाँ तो जब हवा हम मरो हो तो हम अग्गू पुरखा अग्गू कर रहे हैं दो तीन दफर अग्गू मरे हैं बेटा हम देखे नहीं जा तेरह साल को मरो हो जहे देखे हैं अगू हम ना देखन पाए जब मरन और जिन कहा तो जग घर मर जाते जब पला जाते हैं जा। हाँ मतलब जब 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 काटो तो जब काट के बेचत बेचत बिक्रे तो नहीं है हाँ अब ना है महाराज ना बिक्र बेचत बिक्र हाँ बेचत ना है ऐसी ऐसी रहा था जा हाँ जब 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 मैं मरन लगी रहे तो वही बेचता रहे महाराज थोड़ी और काट के बेचता रहा हाँ थोड़ी और ना बेचे रहा है तो जाको सहता का बमना बमनिया ये पंडित आए रहे हैं एक दफा सप्ताह करना तब तो बे एक रोज बे अग्गू से आए गए रहा है तब तो बे उनसे हमारी झड़ा पड़ी हो भाई बे आए के हियाँ आए के बहस करें क्या टॉयलेट बनवाओ तो मैं कहो ना टॉयलेट हम यहाँ ना बनवाए हैं बेका ना होने पड़ते मंदिर में टॉयलेट तो मैं कहो हम यहाँ बनवाते ना है तब से तैसी ही गई तो अब हमने जसो लगाई विद्या तब से तुरंत कहाँ लगे यहाँ टॉयलेट मत बनवाओ अच्छा जमीन बहुत भारी है अच्छा तो ऐसा अपन अंदर नहीं है ना वे पंडित कहीं अच्छा तुरंत है अच्छा अच्छा कहीं जा में टॉयलेट मत बनवाओ हाँ तो हमने वो बैयर से कही जाके उसे तो कोई फिसा फिनंग ना है जब किनारे कही हमने बैयर से कही और तक तो फिर ले मैं बिन के ज्ञान ना है मैं तो बताता हूँ तो शहर में जाइए फिसा फिन के यंजन फिरिए हाँ आदरणीय दर्शक वृंद हमें
जा बांसी मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी हैं, उनके हम धन्यवाद देते हैं। अब ताहि तुम्हें छोड़ थे राम 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 राम। आदरणीय दर्शक वृंद, जा बांसी मंदिर के बारे में थप जानकारी लेन तहनी हमर हम ही ना पर परसिया गांव के हम ठिन एक और महिला हैं, वे महिला से हम पूछत हैं जब जा बांसी मंदिर को सत्यता के बारे में का है, उनके हम स्वागत करते हैं। स्वागत और राम राम। राम राम। अपन नाम? मेरा नाम चाहिए रामरती राणा है, परसिया लाल झाड़ी परसिया चार। रामरती राणा हजर। और हाल खबर कैसी है? और सब ठीक है। ठीक है हजर। तुम्हार माई को कहाँ पर है? मेरे गदरिया गांव कैलाली। गदरिया गांव से? हजर। गदरिया गांव में माई को है ने? हाँ। जब मंदिर के जो हमारे जो बांसी मंदिर जो कहा था, जब बांसी मंदिर के बारे में तुम्हें कितना जानकारी है? बांसी मंदिर के साथ का मके खास जदा महीना फिर ना भाव आठ महीना भाव है, आठ महीना में सुनो अनुसार मैं बताए हूँ। और खास मके डिटेल में तो पता फिर ना है, शायद नामकरण जब बांसे बांस भाव तब ही मारे बांसी मंदिर धर देंगे एक जा फिर मैं लगा था। और तमाम से का कहता वीर दुख विराम मन इनके पड़ते हैं तो मनाते हैं, आवश्यक अपन का कहता मन से चाहते हैं तो पूरा करता कहा था। ये मतलब मन जैसे जब अपन मन में जो लागो है मतलब यदि आवश्यक पड़ो अपन थीनी कुछ दुख बिरामी है तो उतर तो मज इतना आवो तुम तो भाज जाओ जो मेरे ना फोटो ना है। यानी कि जब मन बीमार पड़ता है, हाँ, रोग व्याध से मतलब सतात है तो मंदिर के मनात हैं, जब बांसी मंदिर के मनात हैं और जब बांसी मंदिर के मनात हैं तो मतलब ठीक हो जाते हैं। अब होनिया माता के शायद तो ईसो देखन उखन वालो हुई है तो माता से मांगेंगे तो पूरा होता है और ईसो चाहे अब डॉक्टर के थी ले जान ठावे तो ले जान पड़ो। पहले तो अपन के डॉक्टर फर्स्ट में तो अपन माता के दिखाते हैं और परम्परागत तरीके है अपन के एक थरुआट समाज है और जा समाज में पहले माता धामी झाकटी दिखाए के तब अपन डॉक्टर थ्री ले जाते हैं। और इत कहे अनुसार के जा साइड में जा रोड है जौन है जा रोड के जा साइड में चाहे पीठ ना देते हैं, मंदिर के जा साइड में पीठ ना देते हैं इतका सुनो और दिशा पिशाब चाहे फोहर ना करते हैं मंदिर के एरिया में। जा रोड के जा साइड में वो साइड में तो करण बन जाता है, अरे जा साइड में चाहे ना बनता और चाहे घर वास चाहे जा साइड में ना बनाते हैं रोड के। हाँ जा टोल में चाहे एक घर है यहाँ तरह शायद वे भर रहा है शायद अपन घर के बंधन लगा लेते हैं तब एक मारे से सुनो अनुसार ऐसे मतलब घर ना बना लेते जा एरिया में जा, हाँ रोड के जा साइड में ना बनता है वो साइड में बना लेते हैं वो है। और थप जानकारी कहा है तुम्हें? थप जानकारी मैं डिटेल में इतना पता रहा है और चाहे क्या कहता अब शायद तो चाँसो गाँव जाके होन तो पहले के स्थापना है तरह मांग अनुसार शायद गाँव मैंने उतो चाँसो तो करते तरह मांगन ठाव में ना मांग पाते हैं कि हमके बजट चाहो सहयोग करण ठाव में शायद ना मांग पाते हैं मुझे लगा था ऐसे गाँव पालिका। अब तुम जैसे युवा हो सब ठाव में सहयोग करते हैं है तर हजार ठाव में अब कहो अनुसार कि गावी से सहयोग ना करी अब गाँव पालिका से मांगन पड़ो बजट तमाम ठाव में आप है अब आई गो कहे से ऐसी मांगी हुई है हल्का फुल्का है क्योंकि इनके कान में पड़ो तो हमारे धर्मशाला आओ ऐसे कि धर्मशाला आई गो जाके अब फिर लेंडर के ताही आई गो अपन के बजट और ऐसे कि मांगत रहे हैं अपन थोड़ी थोड़ी कोई किन के कान में पड़ेगो अब तुम्हारे फिर माध्यम तमान है जब प्रचार प्रसार कारण से का कहते तमान जन सुरंगे है जाठाव में इतनो शक्ति है माता है ऐसे करेगी और जाए में शायद का कहते छर छिमेकी इनके मतलब जाके है जगह के मिशन डटे हैं तर जहाँ में बाउंड्री लग जाए कैसे और अच्छो ही है काहे कि जगह जगह सीमित ही जाए कोई बाउंड्री में अब तो अतिक्रमण बचा ले है। हाँ हाँ बचान जरूरी है और क्या कहूँ तो थब विकास के तहनी का है तो थब विकास के तहनी बाउंड्री है आवश्यक तत्काल है और एक जामे चाहे अब मूर्ति शायद स्थानीय मन इनके गाँव घर के है अब जितका सहयोग करते हैं उतका से ना पुगन डटो है हाँ तो जाके ताही मांगन पड़ो और थोड़ कान में फुगा दिया तुम्हारे प्रचार प्रसार जाके थप विकास के तहनी मतलब स्थानीय तह मतलब संबंधित निकाय से सहयोग होन बहुत जरूरी है ऐसी है। और चाहिए है ना कि शायद मैं देखो अनुसार तो फर्स्ट उत्पादन होता है जो अपन के बाली होते है वो उत्पादन के बाली चाहिए फर्स्ट लाके दान करते हैं माता के यहाँ बाल जैसे धान धान गेहूँ भाव अपन क्षमता अनुसार अपन इच्छा लगो उसका चाहिए दान करते हैं हिना के मतलब धान
काट के चढ़ा काट कटो हो जा रहा था कि ट्रेसर लगा डा रहे है तो आए के डलियम लाके धर के पूजा के रूप में धर देते हैं। अच्छा। और गेहूं भाव उसी लाके धर देते हैं थोड़ी थोड़ी मतलब अपने लाइकी ना धर देते हैं मतलब मानदान कर जाते हैं कि मतलब जा मंदिर के नाव से धर जाते हैं। ले जा महत्वपूर्ण जानकारी के तहनी इतनो जद्दी इतनो बढ़िया जानकारी दे हो जब महत्वपूर्ण जानकारी के तहनी अभय तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अभय तहनी हम छोटा धन्यवाद राम 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 राम। आदरणीय दर्शक वृंद तुम देख रहे हो रानाथारू.com और रानाथारू.com। रानाथारू समुदाय से जुड़ी हुई तमाम रीति संस्कृति उजागर करत आ रहो है और जेह क्रम में अभय हम लालझाड़ी गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 परसिया गांव में आए पहुँचे हैं और हिना परसिया गांव में एक ऐसी मंदिर है जो उनकी मतलब बहुत पुरानी मंदिर है पर उजागर ना हो पाई है। वो मंदिर को स्थापना कैसे करके भाव है वो मंदिर कैसे करके मतलब बनी है वो बारे में अभय सब जन समुदाय के खास करके पता नहीं है तो बेह मंदिर यानी कि बासी मंदिर के यथार्थता के बारे में हम जानकारी लेते नहीं हिना पर आए पहुँचे हैं और हिना पर हम ठीन अभय मंदिर के पुजारी हिना हम ठीन बैठे पड़े हैं हम हुना पर आए पहुँचे हैं और मैं मंदिर के पुजारी से वो बासी मंदिर को यथार्थता के बारे में मैं पूछन जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं उनके अब जोड़ता हूँ। पुजारी जी लो सबसे पहले राम 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 लो अपन नाम और गांव बताई देवो। मेरो नाम है रामदीन और गांव है परसिया गांव परसिया है। अरे तुम्हारा जा तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र हो गई है महाराज हो गई होंगी 92 तक हो गई होंगी। 92 वर्ष हो गए? हाँ हाँ 92 तक। अरे जा तुम जा मंदिर जो बासी मंदिर जो कहा था है, हाँ। बासी मंदिर में तुम पहले पुजारी रहो कहा था है? हाँ हाँ पहले पुजारी अब महाराज हाँ जब से बड़े बूढ़े में चले गए तो से मही बाको करते रहो। कई वर्ष तक तुम मतलब पूजा पाठ करे रहो? हाँ बहुत साल में करो पूजा। हाँ जा अब हम थोड़ी कहना जब बासी जो मंदिर जो है हम अभी मतलब देख के आए हैं पूरा वो को क्या कहा था पूरा तुम्हारे बांस की पूरा बाजारी है बांस की बगिया है। हाँ। वो बांस की बगिया यानी कि तुम सब यानी कि लगा रहे हो कि वो पहले से रहे कि कैसे रहे? ये जाता है सो है महाराज। हाँ। हमारे बड़े बूढ़े कहा था रहे जा में कहा था रहे जा में दुर्गा को थाप रहे। हाँ। दुर्गा माता को थाप रहे और जब बांस ही लगाओ कोई ना अपने आप से। हाँ। भाव है। हाँ अपने आप से दुई दाव मेरे सामने जब मर गई फिर वैसी हुई जात है। मर कैसे गई तो जा? फिर जब मर जात फिर वैसी हुई जात मतलब जा जा, जा कैसे करके जब बांसी भाव रहे जब बांसे में जाना है कहानी कहा रहे जग पच्छु बांसी रहन को पच्छु को अथवा जा बगिया रहन को पच्छु को कछु ऐसो कछु कहानी रहे की कारण रहे की ना कोई कारण ना बब अपने अपने आप मर जात अपने आप सिर जा अब जब तुम थोड़ी दिना में आई जाओ तो जग भितरा सब बन जाएंगे सब भितरा बन जाएंगे अलग अलग। कब से है मतलब कब से जब बगिया रहे? बहुत पुरानी हमारे बाप दादे कहते रहे हमें पता ना है। अच्छा पता ना है पता ना है कि जग ऐसी हम देखे तो बे कहते रहे मर जा था फिर वैसी हुई जात। अच्छा हाँ बांस मर जाते हैं फिर उलह जाते फिर वो इसी है। अब है जंगल की तरह दिखा थोड़ी दिन तुम आइयो सब बग अलग अलग भितरा हो जाएंगे। अरे मैं तुम्हें एक और थोड़ी एक और प्रसंग थोड़ी कि मैं जोड़त हूँ कि जा परसिया गांव जो कहा था परसिया गांव तुम्हार। हाँ। परसिया गांव धरन को पच्छु वो मंदिर को फिर एक कारण है कहा था कि जब मंदिर यानी कि जब परसिया गांव धरन से पहले मंदिर बनी रहा है तभी मारे जब परसिया नाव धरो गो है करके कैसे हुआ तुम्हारे का जान है महाराज जा तो मंदिर तो हम अभय बनाए है पहले बुढ़रा ऐसे मंदिर तो तुम अभय बनाए हो रहा थापना तो पहले रहा है थापना पहले रहा है थापना होन को कारण परसिया को जब मंदिर को थापना होन को कारण परसिया को नाव बजो है कैसे तुम्हारे में का कहे जाने जान है ऐसे तो महू ना जान महाराज ना मतलब जैसे कि कहा था कि मतलब जो कि त्रेता युग में जो परशुराम परशुराम जो एक महाक धुरंधर मतलब धनुषधारी रहे तो वो कि यानी कि परशुराम और यानी कि परशुराम वो द्वापर युग में त्रेता से द्वापर युग में आओ तो बुक गैया रहें
कहत रहे गैया रहे अने वो गैया को गौरियानो रहे वो हाँ तो कहत रहे गैया को गौरियानो रहे बतात रहे रा बे परसु को नाव से परसु करे परशुराम को नाव से जब परसिया बजो गौकर के कहत हैं तुम परसिया पर ऐसे महू ना जा जरूर कहत परशुराम को सैरो जा जरूर रहे परशुराम को सैरो पर उस गंजा को सैरो रहत रहे अच्छा हाँ तो परशुराम को वो समय के बा समय से हाँ अने तो हूं और बांस कैसे करके हुई गई तो बांसे को कोई पता ना है महाराज कैसे करके भाव कोई पता नहीं कोई पता ना हमारे बाप दादे तक को ना बताए हैं कि जैसो भाव तुम्हारे गांव कब को बैठो है गांव तो कब को बैठो बहुत पुरानो गांव है जैसे तो कई वर्ष हुई सकता हाँ, है बहुत कई पुस्ता तर गई है यहाँ पर गाँव अरे यहाँ जब मेरे तो हो गई होंगे दो तीन पुस्ता मेरी तर गई है हाँ हाँ दादो हाँ दादो को आजो हाँ हाँ आजो को फिर के प्रजा हाँ आजो की का कहते हैं हाँ हाँ आजो दादो आजो गाजो हमरो ऐसे करके हम मतलब तीन एक और तुम्हें थोड़ी के ना और जाके बारे में थोड़ी मैं और मतलब पूछना चाहता हूँ कि मतलब जैसे कहा था कि बिंदवारो गांव सबसे पुरानो गांव कंचनपुर को इतई को जहा एरिया को सबसे पुरानो गांव बिंदवारो गांव बिंदवारो गांव से उठ के परसिया गांव बैठो गो है करके कहात रहे जा पता ना है महाराज पता नहीं है जा पता ना है कि कैसे कर को आओ है हाँ जब जा जा बिधवा जा तुम्हारे जा परसिया जा जा परसिया के बारे में अथवा जा 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 बिनवारी करे करे वो मंदिर का जो है बांसी मंदिर के बारे में और खास तथ्य का है वो मुना पर का का देखने मिलता है उना पर अरे कैसो करके है उना पर तुम तो बहुत पहले से पुजारी रहो अब पुजारी के नाता से तुम्हें तो बहुत कुछ उना को अनुभव हुई है अनुभव का अनुभव रहा है का तुम देखे तब जय बड़े बूढ़े हमारे पहले मड़ैया बनाए रहे तो कहत रहे हम तो देखे ना महाराज तो बड़े बूढ़े कहत रहे हियाँ देवी जो है तो अपने आप से निखर जाते रहे अच्छा देवी निकर रहे देव निकर जाते रहे तो बता दे मूर्ति निकर जाते रहे तो एक कौन एक बाबा इनमें सोने चांदी की तरसूल रहते रहे तो कौन एक बाबा तो उठा ले गो तब से फिर बाकी खोदन के समरे के ले जाने के समरे बता बड़े बूढ़े कहते रहे मंदिर के लजान देवीन के लजान समरे तो बता उनके खोदन भी गायब हो गए बाद दिना से आज दिन लेना दिखानी है अच्छा ना दिखाने ना दिखाने जो मंदिर को जो थापना है हाँ, हाँ, मैं मतलब खास जो निकली भाई देवी नहीं है अभी हाँ, हाँ, देवी तो लाई भाई है वे अपने आप से है मतलब जा जो मैं मतलब जो देवी होना पर है हाँ, हाँ, देवी की मूर्ति है वो देवी की मूर्ति तो मतलब लाई भाई मूर्ति है अभी हाँ हाँ पुरानी मूर्ति एको नैया एको नैया बे सब गाय जो उनके खोदन के समरे आए थे कहीं इनके खोद नहीं जाएंगे हम तब सब बेगायब होगी बेखोदी बेगायब होगी बाद देना से आज गाय आज तक लेना दिखानी एक और बात मैं प्रसंग एक और का जोड़ता हूँ कि जैसी की कहते रहे कि मतलब होना पर एक दफ फिर यानी कि एक मतलब इधर बड़ भारी आंधी आई तो यानी कि आंधी आई तो आंधी के लपेट में वो गांव के बांसक जो झाड़ी रहे वो जरी गई पर गांव बची को करके कहा था हाँ कहा था ना हाँ एकदम बाबा आओ रह बता एक बाबा आओ ऐसी पागल हो गो तो बांसे में जरूर आग ही लगा दी अच्छा वो आग ही लगा दी वो आग ही लगा दी अब था आग ही जैसे दम की तैसी पछाड़ से आंधी उठी हाँ। तो सब बेचारे हाहाकार करने लगा जहाज में रोक गाँव तो भस्म हो जाएगो तो ऐसी भगवान की कृपा भाई बता गाँव आंधी तो वहाँ चली गई उत्तर के तो उत्तर से आई है तो बता आगे आगे वो लूका जो है आगे जो रह बदोंदा घन जाए अच्छा। गांव सफा बची गाओ गांव बची गाओ गांव बची गाओ जो बड़े बूढ़े को मतलब भाई सुने हैं गांव के आगे की लपट हाँ वो दोंदा घन जावे गांव पूरा बची गाओ जा कुछ सत्यता जा रहे हैं हाँ अने और कुछ जानकारी रहे कि और तो कुछ मैं ना जान महाराज और एकदम जहो कहत रहे कि एकदम बहिया आई बड़ा भारी बहिया आई तो बता दे कहते ना कि धरके बहिया मारे जोड़ तो बांसी ऐसे अपने लपक जावे अच्छा हाँ पानी मारे जोड़ और जादो जोड़ मारे का पानी के दूर खेन दे भाई हाँ अपने मंदिर में ना आन दई पानी के ना पानी का अपने भूमन में ना आन दई बता जे ऐसी बात बड़े बूढ़े कहते ना महाराज मैं
सुनी बात महू कहा था वो उतने दिन महू ना ठीक है बात सुनी बात जो बात हाँ जो बात सुने वह बात तो बताए ऐसो बता और अभय महाराज सच्चाई से पूजा अभय है बमन बिल्कुल सच्चा बहुत आदमी अभय दूर दूर के आ जाते हैं हाँ सच्चाई से मानो तो अभय बम सच्चाई है और कहते बगटा उगटा आते करके कहते रहे हाँ हाँ बगटा आते रहे जा तो महू देखो अच्छा तुम देख रहे हो जा तुम बगटा ना देखो महाराज वो खोज देखो अच्छा बगटा खोज देखिए कैसे वे हमारे गांव की गन्या ऐसे जो जब है जब दुकान है जैसे सही रोड बा है नी तो जैसे पहली रहे तब बिल्कुल ऐसे मेड़ा के सीरे कचोट के गन्या की घन्ना रहे और तरह मेड़ा रहे बर सही रोड रहे तब बगटा खोद तो महू महाराज जा देखो अच्छा देख रहा हूं बगटा हाँ बिल्कुल गन्या को गन्या तो उनसे हम पूछे गया रहे से हम कहा तुम्हारी गन्या भाजी नहीं ना ही अब पता है ना अच्छा हाँ मतलब कोई ऐसो मतलब बोना नुकसान ना करते रहे ना आते रहे अपने मतलब दर्शन बस बस और चलो जाते रहे चलो जाते रहे जा तो महू देखो जब बगटा खोद तो महू महाराज आंखें से बगटा ना देखो खोज मैं देखो कई साल की बात हुई है जा जाता हो गए होंगे बहुत साल हुई होंगे मतलब कितका बड़े रहो तुम तो मतलब वो चीज रहे तो मैं जवान रो ही गौ रहा हूँ जवान हो ही गौ रहा हूँ यानी कि हाँ 12-13 वर्ष तो जरूर हुई हाँ 12-13 का 15-20 वर्ष हुई होंगे 15-20 वर्ष हाँ हाँ अच्छा तब वो हिसाब से मतलब यानी 92 वर्ष बताए हो तो 15-20 वर्ष करते हैं लगभग हमारे बहे 70-80 के मतलब वर्ष हुई गई हुई गई जो आज का कहते जा बहिया कब आई रहे बहिया तो बहुत पुरानी बड़े बूढ़े कहते हैं जन कब बहिया आई रहे और कब बांधी आई रहे पर जब बगटा खो तो महू महाराज देखो हाँ बगटा ना देखो खोज देखो राम की गौ का हम पूछेगा हम कहा तो तुम्हारी गंजा भाजत है तो बगटा छिर गौ कि ना गंजा हमारे पता ना है लो जी महत्वपूर्ण जानकारी दे दे हो और जब महत्वपूर्ण जानकारी की कहानी हम तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अब तक नहीं अपन छूटा थे लो राम 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 राम।